सल्ट विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आज मतदान कार्य में तैनात किए गए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। अल्मोड़ा के उदय शंकर अकादमी में प्रथम चरण का प्रशिक्षण हुआ। इसमें पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों को ईवीएम व वीवीपैट के अलावा सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात सामान्य पर्यवेक्षक हरगुंजित कौर ने उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों को अमल में लाकर मतदान प्रक्रिया संपादित करें। प्रशिक्षण में उपस्थित जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने भी कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचन एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए सभी कार्मिक दिए गए दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करें। उन्होंने सभी कार्मिकों को आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों व आचार संहिता का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे 1 तारीख को हम लोगों ने सारी ट्रेनिंग रखी हुई है, और ये आज हम लोगों ने 3 ट्रेनिंग्स यहाँ पे रखी हुई हैं। सबसे प्रथम जो हम लोगों ने ट्रेनिंग रख रखी है वो कार्मिकों की रख रखी है, दूसरा हम लोगों ने सेक्टर जोनल्स को बुलाकर यहाँ पे उनको भी ट्रेन करा रहे हैं, और उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे पोस्टल बैलेट और ETPBS की टीम्स को भी यहाँ पे बुलाए गए हैं। पोस्टल बैलेट की गतिविधि पहली बार उत्तराखंड चुनाव में ट्राई की जा रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के क्रम में जो 80% हमारे वोटर्स हैं या जो हमारे वोटर्स जो दिव्यांगजन हैं वो फॉर्म 12D भरकर अपना वोट वहीं पे कास्ट कर सकते हैं। इसके लिए गांव-गांव ये हमारी ये टीम्स जाएंगी और 4 से 10 के बीच में जो भी मतदान कर कार्मिक कर से अपना मतदान करना चाहेंगे वो अपने कार्मिकों को अपना वोट दे सकते हैं, और इसको सारे वोट्स को डाक मतपत्र के रूप में गिना जाएगा।